हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट इज इफेक्ट ऑफ एसिलेशन हेड इन द आइडियल इंडिकेटर डायग्राम, राइट। तो अगर हम यहां पर एक और इफेक्ट को कंसीडर करें दैट इज इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन इन सक्शन एंड डिलीवरी पाइप्स ऑन इंडिकेटर डायग्राम, तो एक इक्वेशन हमने और ड्राइव की थी वहां, अगर आपने गौर किया होगा कि जब हमने फ्रिक्शनल हेड, जो फ्रिक्शनल हेड की वैल्यू को कैलकुलेट किया था उसमें दैट इज फ्रिक्शनल हेड हमारे पास होता है HF इज इक्वल टू, आप लोगों ने इक्वेशन पहले पढ़ी होगी, डार्सी इक्वेशन जिसे कहते हैं 4FLV² / 2GD, राइट। तो यहां पर अगर मैं सक्शन पाइप के लिए अगर इस इक्वेशन को लिखूंगा, हमने जो कि पहले भी इससे पहले ड्राइव की थी, आपकी इस इक्वेशन को ड्राइव भी किया था, तो वहां पर जो इक्वेशन निकल के आई थी दैट इज HFS इज इक्वल टू 4FLV² / DS। मैं इस इक्वेशन को फिर से रिपीट करता हूं, HFS इक्वल टू 4FLS, LS वर्ड क्यों यूज करें क्योंकि ये सक्शन पाइप के लिए है, अपॉन DS, ये DS दैट इज फॉर डिलीवरी पाइप, सॉरी डायमीटर ऑफ पाइप इन सक्शन साइड, एंड इंटू 2G ब्रैकेट में कैपिटल A अपॉन AS, AS इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये एसिलेशन है सक्शन साइड का, ओमेगा R साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आप जो देख रहे हैं, जो इक्वेशन हमारी होती है 4FLV² तो V² यानी वेलोसिटी जो है हम लोगों ने पहले भी निकाली थी, वेलोसिटी की वैल्यू निकाली थी, तो वेलोसिटी ड्यू टू द एसिलेशन ड्यू टू द मोशन ऑफ पिस्टन वो निकल के आई थी कैपिटल A अपॉन स्मॉल A ओमेगा R साइन थीटा, ये निकल के आई थी। तो V की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं यहां पर तो, और सक्शन साइड के लिए करता हूं तो यहां S वर्ड यूज हो जाए, इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी, ये हमारी वैल्यू होगी फ्रिक्शनल हेड एट द सक्शन पाइप। सिमिलरली डिलीवरी पाइप के लिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं हम कुछ जगह जैसे लेंथ ऑफ पाइप में हम डी का यूज कर देंगे, डायमीटर ऑफ पाइप में भी सफेक्स में डी का यूज कर देंगे, और एसिलेशन ऑफ द पाइप में भी हम लोग डी का यूज कर देंगे, राइट। तो इस तरह हमारे पास सेक्शन साइड और डिलीवरी साइड दोनों साइड हमको जो फ्रिक्शनल प्रेशर फ्रिक्शनल हेड की वैल्यू है वो ऑप्टेन हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगर यहां पर हम देखें तो अगर थीटा इज इक्वल टू जीरो है इसका मतलब यहां पर साइन थीटा है तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी दैट इज जीरो, यानी HFS हमारे पास जीरो रहेगा। सिमिलरली डिलीवरी साइड में भी वैसे ही होगा, साइन थीटा जीरो है तो फिर जीरो जीरो होने पर, यानी जब भी स्ट्रोक स्टार्ट हो रहा होता है हम उसको जीरो ही कंसिडर करते हैं, जीरो से 180 तक मूव कराते हैं, चाहे वो सक्शन साइड का हो चाहे वो डिलीवरी साइड का हो, तो दैट मीन जब भी स्ट्रोक स्टार्ट हो रहा होगा तो थीटा की वैल्यू जीरो ही होगी। उस केस में हमारे पास HFS और HFD दोनों की वैल्यू जीरो हो जाएंगी, और अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 90 रखता हूं तो 90 की केस में साइन थीटा हमारा 1 हो जाएगा, और जो 1 होने पर हमारे पास ये टर्म है जो वो 1 हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग वैल्यू मिलेगी वो हमको HFS साइड में ये दिख रही है आपको, सिमिलरली साइन थीटा का जो वैल्यू है दैट इज 1 वहां पुट कर देंगे तो हमें ये रिमेनिंग वैल्यू बचेगी, और HFD में हमारे पास अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू को 1 रखते रहा हूं तो यहां पर हमको ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और अगेन मैं इस चीज को 180 पे ले जाता हूं तो 180 पे जाने का मतलब है कि ये जो वैल्यूज हैं हमारे पास थीटा एट 180, लुक एट हियर, एट थीटा 180 पर जाने पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या हो रही है, साइन थीटा जीरो हो जा रहा है, इसका मतलब HFS और HFD दोनों ही एट द एंड ऑफ स्ट्रोक जीरो हो जाएंगे, राइट। तो अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन जो मिल रही है हमको यहां पर, ये स्क्वायर होने की वजह से दैट इज पैराबोलिक नेचर, राइट। तो यानी हमारे पास जो ग्राफ मिलेगा वो पैराबोलिक नेचर का मिलेगा यहां पर, और अगर मैं इस ग्राफ को यहां पर पुट करना चाहूं तो देखिए हमारे पास एक डायग्राम निकल के आ रहा है ये, राइट। तो इस डायग्राम को गौर से देखिए कैसे ड्रॉ किया गया है। अब हमें यहां पर शो करना है कि इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑन इंडिकेटर डायग्राम,
मैं सिर्फ फ्रिक्शन के इफेक्ट को यहां पर शो कर रहा हूं। अभी एक हम लोग एक और इसके बाद डायग्राम बनाएंगे जिसमें एसरेशन हेड और फ्रिक्शनल हेड दोनों को कंसीडर करेंगे आइडेंटिटी डायग्राम में। बट अभी हम समझते हैं कि अगर मैं सिर्फ फ्रिक्शनल हेड को यहां पर कंसीडर करूं तो ये डायग्राम में क्या चेंजेस आएंगे। अगर हम यहां पर डायग्राम को गौर से देखें तो ये जो डायग्राम मिला है ये हमारा आइडेंटिटी डायग्राम है। अगर हम फ्रिक्शनल हेड की वैल्यू को कंसीडर करें तो वहां हमें जैसे हमने बताया था थीटा इज इक्वल टू जीरो होने पर जो वैल्यू है वो जीरो हो जा रही है, थीटा इज इक्वल टू 90 होने पर ये वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है और थीटा इज इक्वल टू 180 पर ये वैल्यू अगेन जीरो हो जा रही है। ठीक है, तो हमारे पास ए जी और बी ये तीन पॉइंट हमको मिल रहे हैं। अगर मैं इन तीनों पॉइंट को पैराबोलिक कर्व में ड्रॉ कर दूं तो हमारे पास कुछ ऐसा आपको रीजन ऑब्टेन होगा। सिमिलरली अगर मैं डिलीवरी साइड के लिए इसको ड्रॉ करता हूं तो डिलीवरी साइड के लिए अगेन थीटा इज इक्वल टू जीरो वैल्यू जीरो होगी, थीटा इज इक्वल टू 90 ये वैल्यू मैक्सिमम होगी जो वैल्यू हम पहले भी निकाल चुके हैं क्या है, और जब थीटा इज इक्वल टू 180 होगी तो ये वैल्यू अगेन जीरो हो जाएगी। तो ये हमारे पास पैराबोलिक नेचर के दो कर्व हमको ऑब्टेन हो रहे हैं। अब अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूं इसमें व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस जो ये रीजन एडिशनल रीजन हमको मिला अगर उसका एरिया देखें तो हम कह सकते हैं कि ए जी बी जो आपको ए जी बी दिख रहा है इसके एरिया को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो ये वैल्यू हो सकती है दैट इज द जो एरिया ऑफ दैट इज पैराबोला दैट इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई बाई 2/3 जो कि जो हमारे पास हाइट होती है परपेंडिकुलर हाइट होती है उसका 2/3 हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारे पास जो एरिया ऑफ पैराबोला मिल जाता है। ऑलराइट, तो यहां पर हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं ए बी इंटू 2/3 जी जी डैश यानी कि ये जो हाइट आपको मिल रही है परपेंडिकुलर हाइट मिल रही है उसका 2/3 हमने यहां पर पुट किया हुआ है और ये जो एडिशनल वैल्यू होगी वो एच एफ एस के बराबर होगी। सेक्शन साइड में एच एफ एस के बराबर होगी तो हम इसी वैल्यू को पुट कर लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू ए बी इंटू 2/3 एच एफ एस। ठीक है, तो हमने ए बी चूंकि हमारी ए बी क्या है स्ट्रोक लेंथ है तो हमने ए बी की वैल्यू को एल के बराबर पुट कर दिया, एल इंटू 2/3 एच एफ एस हमारी वैल्यू हो गई। ठीक है, और एच एफ एस की वैल्यू हम पहले ही जानते हैं क्या है, एच एफ एस इक्वल टू दिस मच अमाउंट, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं एच एफ एस की वैल्यू क्या होगी और वो जो हमने वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 90 पे निकाली है एच एफ एस की वैल्यू उसी वैल्यू को हम यहां पर पुट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं एरिया सी एच डी एरिया को कैलकुलेट करना चाहूं तो सी एच डी किसके बराबर हो जाएगा, वी कैन से सी डी मल्टीप्लाई बाई एच एच डेस, तो एच एच डेस किसके बराबर होगा दैट इज इक्वल टू एच एफ डी यानी कि हमारे पास जो एरिया मिलेगा सी एच डी इज इक्वल टू सी डी इंटू 2/3 एच एफ डी। ठीक है, तो एच एफ डी की वैल्यू को भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं थीटा इज इक्वल टू 90 पर और उस वैल्यू को यहां अगर हम पुट कर देते हैं तो देखें हमारे पास क्या हो जाएगा सी डी दैट इज द स्ट्रोक लेंथ, सी डी क्या है हम पर देखिए आप गौर से देखिए ये हमारी स्ट्रोक लेंथ के बराबर ही होगा तो सी डी की वैल्यू को हम एल कह सकते हैं, हमने यहां पर एल रख दिया इस वैल्यू को इंटू 2/3 एच एफ डी और एच एफ डी की वैल्यू को हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं यहां पर दैट इज इक्वल टू दिस मच अमाउंट। ऑलराइट, तो इस तरह हमारे पास ये वैल्यूज मिल जाती हैं। अब इन वैल्यूज का हम यूज फर्दर करेंगे जब हम एक फर्दर मिक्स डायग्राम देखेंगे जिसमें हम लोग आइडियल इंडिकेटर डायग्राम में इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन और इफेक्ट ऑफ एसिलेशन दोनों को काउंट करके शो करेंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।